ये बनाए हैं हमने यहाँ पे अभी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू द न्यू व्लॉग। सो गाइज, कैसे हो सारे लोग? होप करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, अभी सुबह के बज रहे हैं 6। तो आज हमारा प्लान है अगेन पहाड़ की शादी में जाने का। तो ज़्यादा हम रुकेंगे नहीं वहाँ पे, हमें आज जाना है और कल वापस अपने ऋषिकेश आ जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल फटाफट से रेडी होते हैं। रेडी तो वैसे हो चुका हूँ और ऑल लोग रेडी हो रहे हैं, मतलब दो लोग जा रहे हैं, भाई और भाई जी जा रहे हैं साथ में। तो फटाफट से चलते हैं, दिखाते हैं आपको। लेट्स सी। तो गाइस, फाइनली सभी लोग रेडी हो चुके हैं और अब चलते हैं यहाँ से फटाफट। जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ उस जगह का नाम है जोगत, जो कि अराउंड यहाँ से है 120-125 किलोमीटर है यहाँ से। तो मेरे साथ मेरा भाई है छोटा सागर। ब्रेकफास्ट करने के लिए ये अपने सामने इसमें रुके हैं हम। यहाँ मैं जब आता हूँ बहुत बारी तो इधर ही रुकता हूँ। तो फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं अपने आगे शादी में। तो गाइज, ये कुछ अपना पहाड़ी तरीके से अपना ब्रेकफास्ट आया है। तो गाइज, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ अचार। तो गाइज, अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है और यहाँ सामने अपना भाई, और सही लगते है भाई, एकदम लुक में आती है गाड़ी पूरी। और इधर हमने ब्रेकफास्ट किया। गाइस, हम रुके हैं अभी थोड़ा सा, ये जो आप देख रहे होंगे सामने। और अब यहाँ से बचा है सिर्फ 17 किलोमीटर। तो ज़्यादा से ज़्यादा में आधा घंटा लगने वाला है यहाँ से। और सामने अगर आप देख पा रहे होंगे एक झरना भी है, काफ़ी सही लग रहा है वो ब्रो। साथ में जो सारे जो सीन है ये भाई ने लिए हैं, मैं तो गाड़ी चला रहा था। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे। गाइस, पहुँच तो चुके हैं यहाँ पे, ले रहे हैं माला दूल्हा दुल्हन के लिए। फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और बर्फ़ पड़ी हुई है चारों तरफ। उधर भी आप सामने देख पा रहे होंगे, उधर भी बर्फ़ पड़ी हुई है। और अब यहां से हमें जाना है और आगे, चढ़ाई चढ़नी है ऑब्वियसली बात है, गांव में आएंगे तो चढ़ाई तो चढ़नी पड़ेगी। तो जाना है हमें उस जगह, साउंड भी आ रहा होगा, वहाँ पर जाना है हमें। तो गाड़ी तो हमने यहाँ पर पार्क कर ली है, अब इसके बाद चलते हैं ऊपर। सो ये रहा यहाँ पर कैसा कुछ रास्ता है। पानी पी लेते हैं यहाँ पे थोड़ा। अलग ही टेस्ट है यहाँ पे। पहुँच चुके हैं, आपको साउंड आ ही रहा होगा। और ये यहाँ पे हमें आंधा, काफ़ी थक लग गया है। अब चलो मिलते हैं आपको वहीं। यहाँ पे जितनी भी बर्फ़ पड़ी हुई है ये यहाँ से हमने यहाँ पे लाई सारी उठा के, ये बनाया हमने यहाँ पे अभी। क्या नाम है भाई इसका? इसका नाम है गुन्नू। इसका नाम है गुन्नू।
भाई शादी तो कंप्लीट हो चुकी है और अब हम यहाँ पे थोड़ा गांव में घूमने आए हैं। थोड़ा इस गांव को एक्सप्लोर करते हैं कैसा कैसा है गांव। तो अभी आए हम इस जगह पे, शादी हो रही है उधर नीचे साइड, दिखेगा नहीं वैसे आपको। तो अब यहाँ से चलते हैं ऊपर। गाइस गांव से हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और हमने सोच जिस हिसाब से हमने सोचा था उस उतनी मतलब यहाँ पे बर्फ़ तो है नहीं, बट ये हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखी है बर्फ़ की चादर वहाँ तक पूरी। इसी से अपना मन भर लेते हैं। ये देखो ये गाइस नज़ारे तो एक नंबर है। यहाँ पे बर्फ़ ऐसे यहाँ पे पिघल चुकी है, अगर हम 2 दिन पहले आते तो हमें बहुत सारी स्नोफॉल तक मिलता हमें देखने को यहाँ पे, बट हम 2 दिन पे बाद आए तो बाकी अगर चारों तरफ आप उधर साइड देखोगे ना उधर भी बर्फ़ पड़ी हुई है, उधर साइड भी बर्फ़ पड़ी हुई है। अब सारी पिघल की वजह से थोड़ी थोड़ी बची है, जहाँ पे धूप आती नहीं है बस वहीं पे बर्फ़ पड़ी है। यहाँ से जा रहे हैं हम नीचे जहाँ पे बारात है, शादी है, और मिलते हैं आपको नीचे। सो लेट्स सी, होपफुली आपको मज़ा आ रहा होगा व्लॉग में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ द अनदर डे और आज हम जा रहे हैं वापस ऋषिकेश। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, होपफुली आपको ब्लॉग पसंद आया होगा।